लेकर आ रहे हैं कब वापस से दर्शन देंगे? दर्शन जैसे कोई चैनल मुझे फाइनल करेगा मैं डेफिनेटली दर्शन दूंगा, और मेरा भी मन है, मेरा काम है एक्टिंग करना, परफॉर्म करना, तो मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे वही आता है, तो ऑफ कोर्स जैसे ही कोई सूटेबल शो प्लेटफॉर्म जुड़ता है जो मुझे लगता है कि जहाँ पे मैं अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ मैं डेफिनेटली जुड़ूँ। सुनील जी, जैसे आपने कहा कि वेट कर रहे हो आप इस चीज़ का, बट हमने रिसेंटली कोई इंटरव्यू में देखा था दुबई में, आपने कहा कि इट्स नॉट ओवर का मतलब क्या? आपकी और कंपनी का जो इट्स नॉट ग्रोवर सुना होगा आपने, ओवर अच्छा इट्स नॉट ओवर, तो क्या आपकी और कंपनी जी के बीच की बातें इट्स नॉट ओवर बिटवीन यू एंड कंपनी? मेरी और कपिल की बहुत अच्छी एसोसिएशन रही है, हम लोगों ने बहुत अच्छा शो किया है इकट्ठे और बहुत लोगों को हंसाया है, और आई थिंक इंडियन हिस्ट्री के गिने चुने शोज में से जो बहुत सक्सेसफुल हुए, मैं फॉर्चुनेट था कि ऐसे शो का हिस्सा बन सका, और मैं उस प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ कि मुझे मौका मिला, और मैं फॉर्चुनेट था कि ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ सका। बहुत अच्छी एसोसिएशन रही है, बहुत अच्छी यादें हैं उस शो से, वो हमेशा मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेंगे। अभी तक ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं चल रहा है या ऐसी कोई बात नहीं चल रही है कि ऐसी कुछ अप्रोच नहीं है, तो डेफिनेटली अगर कुछ होगा तो ईश्वर जानता है। ये चैनल्स के विचार होते हैं, अगर उनको लगता है कि रिवाइव करना चाहिए तो डेफिनेटली क्यों नहीं, उनके सर्वेज होते हैं, उनकी उनको ही फाइनली शो प्रोड्यूस करना होता है, तो अगर किसी चैनल को लगता है तो डेफिनेटली क्यों नहीं। जी जी, ऑफकोर्स मिस करता हूँ मैं टी वी पर आना, शूटिंग करना, वहाँ जाना, मेरी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा रहा है वो शो जहाँ पे हम सब मिलके लोगों को हंसाते थे, तो ऑफकोर्स मिस करता हूँ, लेकिन जल्दी ही काम शुरू करेंगे। एक लंबे अरसे से चर्चा हो रही है कि आप अपना शो लेकर आ रहे हैं किसी जी चैनल पर, उसके बारे में कुछ बताएंगे, कुछ हो रहा है? अभी फिलहाल कई चैनल से, कई जगह से बातें चल रही हैं, पर अभी कुछ फाइनलाइज मटेरियलाइज नहीं हुआ।